दोस्तों जितने भी मोबाइल यूजर हैं उन सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है कि उनके मोबाइल की जो बैटरी है वो नहीं चलती है। किसी की मोबाइल की बैटरी 6 घंटे में खत्म हो जाती है, किसी की 12 घंटे में खत्म हो जाती है, किसी की 1 दिन में खत्म हो जाती है, किसी की कब खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मेजर प्रॉब्लम है जितने भी मोबाइल यूजर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। उन पर अगर आप फॉलो करेंगे या उनको जानेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी जो मोबाइल की जो बैटरी है वो कुछ हद तक काफ़ी अच्छी चलेगी। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहला आता है कि आप अपने मोबाइल को कभी भी धूप में मत रखो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थिंकिंग है कि धूप में मोबाइल रहेगा तो बल्कि वो चार्ज होगा और हमारे मोबाइल की बैटरी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोबाइल को डायरेक्ट आप धूप से बचाइए। दूसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों, हमेशा अपना जो मोबाइल है उसको आप ओरिजिनल बैटरी मतलब ओरिजिनल बैटरी यूज़ कीजिए, उसके साथ में ओरिजिनल चार्जर यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे मोबाइल की बैटरी इसमें निकाल के लगा दी, इसकी इसमें लगा दी, आपको हमेशा ओरिजिनल चार्जर से ही यूज़ करना है। दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है आपको अपनी बैटरी की जो कभी भी 100% चार्ज मत करो, यानी कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी 95% चार्ज हो जाती है या 97% चार्ज हो जाती है उसके बाद आप मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दो, चार्ज निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कभी भी अपने मोबाइल की जो बैटरी है वो 0% होने से पहले ही चार्ज करनी है, यानी कि आपके मोबाइल में 5% 7% 10% बचता है तब आप चार्ज कर लीजिए। दोस्तों इससे ये हुआ कि आपका मोबाइल डेड होने से बचेगा। दोस्तों पांचवा जो ऑप्शन आता है अपने पास वो आता है मोबाइल को हमेशा फ्लाइट मोड में चार्ज करें अगर हो सकता है तो। दोस्तों फ्लाइट मोड को चार्ज करने से क्या होता है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन लगता है चार्ज होने में, अगर मान लीजिए आपके मोबाइल को चार्ज होने में 3 घंटे लगते हैं तो आप फ्लाइट मोड में अगर चार्ज करेंगे तो आपका मोबाइल 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। ऐसा मुझे उम्मीद है और आपको भी आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में ये ट्रिक काम करती है। दोस्तों अगर हो सकता है कि आपको जैसे कभी आप घर में हो बाहर हो तो आपको हमेशा पावर सेविंग जो मोड होता है वो हमेशा इन दिनों में सभी मोबाइल में पावर सेविंग वाला मोड आता है तो आपको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक सातवां ऑप्शन आता है कि आप हमेशा अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है अगर आप घर के अंदर हैं तो उसकी ब्राइटनेस को बहुत कम रखिए। दोस्तों अगर बाहर आप धूप में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं जहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ आपको ब्राइटनेस रखना चाहिए, लेकिन अगर आप घर में हैं या जहाँ पे आपको लगता है इन्वायरमेंट ठीक ठाक है तो वहाँ अपनी ब्राइटनेस थोड़ी कम रखिए। दोस्तों आठवां जो ऑप्शन आता है वो आता है कि आप अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर कभी मत यूज़ करो। मोबाइल में जो स्क्रीन सेवर होता है वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है तो स्क्रीन सेवर को कभी यूज़ मत कीजिए। जो भी फंक्शन आप यूज़ करते हो, नवा ऑप्शन जो मेरे पास आता है, जो भी आप फंक्शन यूज़ करते हो लाइक आपने मोबाइल का डाटा भी यूज़ करना है, लाइक आपको ब्लूटूथ यूज़ करना है, लाइक आपको हॉटस्पॉट यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ करने के तुरंत बाद उसको बंद कर दीजिए, कभी भी चालू मत छोड़िए, क्योंकि चालू छोड़ोगे तो आपकी बैटरी कंज्यूम होगी। दोस्तों लास्ट और दसवां जो ऑप्शन आता है वो बहुत से यूजर्स को शायद पता नहीं होगा और बहुत से यूजर्स को पता भी होगा। तो दोस्तों आपको उसमें क्या करना होता है, अगर आपके पास घर में वाईफाई भी अवेलेबल है और मोबाइल में डेटा भी अवेलेबल है जैसे कि अभी जियो चल रहा है तो आपको प्रेफर करना चाहिए वाईफाई, क्योंकि दोस्तों वाईफाई अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल की बैटरी कम यूज़ होती है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल डेटा यूज़ करने से आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इनमें से कुछ टिप आपको पहले से पता होगी और कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपके पास भी कोई नई नई ट्रिक है जिनसे आप मोबाइल की बैटरी को सेव कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।